मोदी ही चाहिए, ऐसा ईमानदार देश का दुर्भाग्य होगा अगर मोदी को कोई वोट नहीं दे। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, लोग कहते हैं वो गलत है, कोई नहीं मरा। मैं कहता हूँ कि अगर अपना विमान लेके 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस गए, मेरी ताकत वही बढ़ जाती है, मैं काट के फेंक दूँ। पकौड़ा बेच के रोजगार करें। अगर तो एक मैं यहाँ कितने लोग से पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे को पकौड़ा और साइकिल चलवाएंगे। रोजगार माने सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, हमने इतने लोन दिए विदाउट गारंटी, उससे जो रोजगार हुए वो रोजगार नहीं हुए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जो कि 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब शेष 2 चरण बचे हैं, ऐसे में प्रयागराज में आखिर किसकी लहर चल रही है, क्या है यहाँ का चुनावी मूड, आइए जानते हैं यहीं के लोगों से। हर कांग्रेसी आतंकवादी के फेवर में खड़ा हो जाता है, क्यों खड़ा होता है? क्या इस देश अगर आतंकवादी के साथ उनको खड़ा होना तो वहीं चले जाएं, यहाँ क्यों हैं? वोट यहाँ से लेंगे, पब्लिक को गुमराह यहाँ करेंगे और साथ देंगे उनका, ये तो कोई बात नहीं हुई। देश हित की बात तो है नहीं, केवल मतलब पब्लिक को गुमराह करने की बात है, पब्लिक को गुमराह बस। सर, जो अब जो गठबंधन बना है मायावती, अखिलेश यादव और अजीत सिंह का, क्या लगता है क्या ये लोग रोक पाएंगे मोदी लहर को? रोक पाए ना को रोक पाए, इनका कोई उद्देश्य नहीं है, केवल इसलिए कि हम अपना भ्रष्टाचार रोक सकें इसलिए मोदी को हटाओ, एक उद्देश्य है इनका, बस अपनी जमानत बचाए रहें, हम जिंदा रहें राजनीति में, इसलिए इकट्ठा हुए हैं। कोई इनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई थीम नहीं है। नया TVS रेडियो जियो बुलंद, बढ़ो बुलंद। जो परसेप्शन है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जब देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, तो समझिए देश में जब अंग्रेज छोड़ के गया तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन आज देखिए कि भारत जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जितने विश्व के बड़े देश हैं भारत में व्यापार करना चाहते हैं, FDI लाना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल में नहीं हुआ, जब से इकोनॉमी का रिवॉल्यूशन 1991 से हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ, लेकिन देश संक्रमण के दौर से गुजर रहा है और निश्चित रूप से अभी एक बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। इन्होंने कहा कि 70 साल में जो नेहरू जी ने किया है, मैं आपको बता दूं कि जो देश इंडिया के साथ स्वतंत्र हुए थे, छोटे छोटे देश, सिंगापुर, जापान जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, चाइना, उसके बाद फिलीपींस, बहुत छोटे छोटे देश हैं, वो आज 70 साल में कहाँ पहुँच गए हैं और इंडिया कहाँ पहुँची है, और जबकि इंडिया के पास सारे प्राकृतिक संसाधन थे, इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था अंग्रेजों का छोड़ा हुआ, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन कार्य करने की क्षमता नहीं थी। क्षमता उन देशों के पास थी जो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए हम यहीं पे रह गए। और आप राजीव गांधी को जिन चीज़ों का श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर्स लाए या मल्टीमीडिया इस देश में लाए, आपको पता होना चाहिए जब इंडिया में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो रहे थे तब सुपर कंप्यूटर देश में बन चुके थे, ये तब ला रहे थे, क्योंकि ये इनकी मजबूरी थी कि थोड़ा बहुत जो देश में शासन करता है वो बनाता है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, कहीं भी एक पैसे गरीबी नहीं। जो काम नहीं करना चाहते मैम, वो पहले भी नहीं कहते थे, शाहरुख खान जैसा आदमी, अमिताभ बच्चन जैसा आदमी जो बहुत कम उसमें था, आज टॉप पे पहुंच गए, और जो नहीं काम करना चाहते मैम वो कभी काम नहीं करेंगे, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। तो इसलिए मुझे ये कहना कि लोगों का कि ये देश में बेरोजगारी कम बढ़ रही है, ये हो रहा है वो रहा, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। हमारा देश इस कदर विकास कर रहा है मैम कि अगर 5-10 साल इसी तरह से मिले तो हम दुनिया की ऐसी ताकत बन जाएंगे इसको कोई कभी हरा नहीं सकता। हमको अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां आज की तारीख में सिर्फ जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पे हमें आपको बांट रही हैं, और हमको जो है ये भूल करके हमें एक हो करके काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे अच्छी तरीके से बढ़ पाएंगे। नहीं नहीं, अगर वो बांट रही तो हम लोग क्यों बढ़ रहे, क्या हम लोग मतलब इतने मतलब बेवकूफ़ हैं क्या? ये बात गलत है। नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है, कोई कोई किसी को बांट नहीं सकता जब तक हम ना बांटे। अगर हम नहीं, सुनिए एक बार सुन लीजिए, अगर हम रास्ते पर चलते हैं, अगर हम रास्तों के नियम का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हमारा होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा, इसके लिए हम जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। जातिवाद के आधार पर बटने वालों की संख्या कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है, और अब वो जातिवाद पर कम हो रहे हैं जाने वाले, और उसको आप लोग भूलें। देश
देश तभी विकास करेगा जब हम हर चीज भूल जाएंगे। अगर एक जाति ये चाहती कि नहीं सिर्फ मेरा वर्चस्व रहे, आज देखिए सपा ने जाति के नाम पे किया, 37 सीट पे सिमट के रह गए लोग। आज दो पूरे 553 सीट पे कोई भी पार्टी देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी छोटी मानसिकता ने आपको इतना छोटा कर दिया कि आप ऊपर बढ़ नहीं सकते। आप ऊपर वालों को किसी को क्यों गाली बक रहे हैं? अरे आप अपना कद बढ़ाइए, लोग खुद ही छोटे हो जाएंगे। अब तो मायावती भी प्रधानमंत्री का सपना देख रही है सर। वो तो उनका सपना कभी पूरा हो नहीं सकता, इस जीवन में होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक सीमित क्षेत्र में है, उनका कोई स्लेट नहीं। मैं आप लोग को बता दूं कि मायावती से ज्यादा काम, एक्सक्यूज मी, मायावती से ज्यादा काम, एक मिनट, मायावती से ज्यादा काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2 करोड़ लोगों को जो है सिलेंडर दिया, औरतों के घरों में आज की डेट में चूल्हा नहीं फूक रही है, समझे? सुन लीजिए, और माया मैम, अगर आपने अभिसार शर्मा का नाम सुना होगा, सुनिए, यही मोदी जी है, एक मिनट, यही मोदी जी है जो झूठ के पुलिंदे बांधते हैं, यही अभिसार शर्मा है, आप जैसे रिपोर्टर थे, क्यों निकाला गया? बिहार में जाके दिखाया जाता है कि मोदी जी आने वाले हैं, आपको झूठ बोलना है, ठीक है? आज अभिसार शर्मा रवीश कुमार को आज तक क्यों इंटरव्यू मोदी जी नहीं दिख पाते? एक इंटरव्यू कहा है अभिसार शर्मा की, हमको दिखा दे, अमिताभ बच्चन देंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। और आप बढ़ते रोजगार की, हम लोग पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए भटकते हैं, आज जब नौकरी, अच्छा एक मिनट, 1980 में बीजेपी बनी थी, 1980 में बीजेपी बनी थी, इसके बाजू तो राज हुआ है, मायावती प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती है? जब 1980 में बीजेपी बनी थी, चार सांसद उसके हुआ करते थे, राष्ट्र के साथ में कहां योगदान दिया, बताइए। आज एक मिनट, आज न्यूज़पेपर पढ़ी है ना, आज सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार राफेल में जा रहे हैं, चौकीदार पैसा गया, उसने केवल एक बार कहा कि तुम्हारा बाप चोर है, सबकी हालत खराब हो गई, आप बात करते हैं चौकीदार चोर है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप पर्सनली किसी आप राहुल गांधी को चोर बोलिए, राहुल गांधी चूतिया, अखिलेश यादव चूतिया, मायावती चूतिया, लेकिन आज हम सवाल किससे करेंगे? वर्तमान सरकार से करेंगे। यही एक्सीडेंट हो गया था, मैं डायल किया 108 नंबर एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस आई, कमला नेहरू पहुंचते पेट्रोल खत्म हो गया, कहते हैं कि पेट्रोल चोरी कर लिया जाता है। युवा को अगर पैसा, आज मैं पुलिस का फॉर्म भरता हूं, कहते हैं तुम 12 लाख रुपए दो, मैं पीछे से तुम्हें नौकरी दूंगा। और सुनिए, ये बोल रहा है, सब क्यों होता है? अब देखिए, बोलने नहीं देंगे, बीजेपी वाले कर, और सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ये बात करें रोजगार की, मैं मानता हूँ पकौड़ा बेच के रोजगार करें, अगर तो एक, मैं यहाँ कितने लोग से पूछना चाहता हूँ कि अपने बेटे को पकौड़ा और साइकिल चलवाएंगे, मान ले, चलिए, केवल मोदी, हाँ मोदी, केवल मोदी, मोदी के सिवा कोई नहीं यहाँ पर, मोदी देश चला सकता है, मोदी देश रखता है। लोक सेवा पिछली गवर्नमेंट में लोक सेवा आयोग के मैं इंटरव्यू दिया हूँ, मैं अभ्यर्थी रहा हूँ, सारे पद यादों को बेच दिए गए और पूरे भर दिए गए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मोदी की तुलना अन्य नेताओं से की जा रही है। हमें तो लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि मोदी के सामने अखिलेश यादव, मायावती और कोई इसकी तुलना न की जाने, बड़े दुर्भाग्य होगा। राहुल गांधी, अरे नहीं भाई, राहुल गांधी तो उसकी परवरिश अच्छी नहीं हुई है उसकी, नहीं एक मिनट, राहुल गांधी गरीबों की बात करता है, जो आदमी गरीबी न देखी हो, बेसिक गरीबी न जानता हो, किसानों के बारे में न जानता हो, जोताई बुवाई किसी के बारे में न जानता हो, वो गरीब की बात क्यों करता है? कहते मोदी जी, आप जितनी नफरत फैलाएंगे मेरे दिल में आपके लिए उतना प्यार रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्यार है, नहीं मोदी जी को ईश्वर ने भेजा है एक अलग से, और वो देश हित में वही उचित है, इस समय बिना वजह का, और राष्ट्र हित में वही उचित है। ये तो बिना वजह की फैलाई जा रही अफवाहें, इसके चक्कर में कोई न पड़े। अब हर व्यक्ति मोदी के डर है, डर भी जेल का है सारे लोग, क्योंकि एक बात ही बताइए, क्यों नहीं मोदी जी के खिलाफ चले जाते कंप्लेन करने? उसने तो अपना रिकॉर्ड दिया है, 2 करोड़ का 3 करोड़ का, जाइए कंप्लेन कर दीजिए। मैम ये बताइए, राहुल गांधी जी की बातों में तो फिर असले सही नहीं है,
सीरियसनेस ही नहीं है। और मोदी जी ने कभी वैमनस फैलाने की बात नहीं कही, जब भी बात की 130 करोड़ भारतीय की बात की है, 130 करोड़ भारतीय को लाभ भी मिल रहा है। आपने 70 साल में क्या देखा है, देश को लूटते हुए देखा ना, अब देखिए मोदी ने 5 साल में क्या किया है। हमें मोदी चाहिए, मोदी मोदी से कुछ नहीं चाहिए, हमें मोदी नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी चौकीदार चोर है, यही इसका ना श्योर है, मोदी ही चाहिए। ऐसा ईमानदार देश का दुर्भाग्य होगा अगर मोदी को कोई वोट नहीं देगा। बीजेपी को दुर्भाग्य, मतलब पूरे गठबंधन और ये अभी तक गाली देते रहे और इसके बाद अब सब एक हो गए, इसके बाद कौन बनेगा, फिर वही देवगौड़ा वाली हाल होगी। मोदी को ना जिताना दुर्भाग्य है देश का। कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं किया। 130 ये 125 करोड़, हमारे 125 करोड़ सबकी शादी ब्याह शौचालय ये हम स्वतंत्र पाते थे, इसलिए मोदी सरकार आना चाहिए। मोदी सरकार जो है पढ़ाई लिखाई नौकरी देश का, पूरे देश विदेश में मोदी मोदी हो रहा है, अपने देश में कहते हैं कि चोर है। राहुल जैसे नेता को तो जिताना ही नहीं चाहिए, कल का नेता आज बड़ा नेता हो गया, कोई देश से बाहर कर देना चाहिए इनको। ये हम लोगों की इच्छा है, मोदी मोदी होना चाहिए। बीजेपी की जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जितना काम विकास का काम इन्होंने किया, सड़कें देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, पानी देख लीजिए, कोई भी हम क्या बताएं, दवाई का देख लीजिए। खासकर आप प्रयागराज यही जहाँ घूम रहे हैं हम इसी को देख लीजिए, इतना बड़ा कुंभ हो गया, बालाकोट कहीं भी क्या क्या बताए। बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, लोग कहते हैं वो गलत है, कोई नहीं मरा। मैं कहता हूँ कि अगर अपना विमान लेके 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस गया, मेरी ताकत वही बढ़ जाती है, मैं काट के फेंक दूं सारे को। जय जय मोदी। एक एक छोटा सा गाना है, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, मोदी 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 चाहिए, चोर चोर वो चोर हुआ है, चोर इनको कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और जो उसका विकास है, वो पूरी दुनिया को दिख रहा है, केवल भारत को नहीं दिख रहा है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। और इतने सालों में जो विकास हुआ है, वो विकास ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन जो 5 साल का विकास है और 65 साल का जो विकास है, दोनों को अगर जोड़ा जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो इन 5 वर्षों में जो विकास हुआ है, पूरी एक एक जनता, ऐसा नहीं है कि मोदी मोदी लोग चिल्ला रहे हैं, ऐसे नहीं चिल्ला रहे, उन्होंने 5 वर्ष में वो काम करके दिखाया है जो इतने दिनों में संभव नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस तो कहती है कि हमने भी तो इतनी सारी सर्जिकल स्ट्राइक की, हम ढिंडोरा तोड़ी। नो डाउट कांग्रेस ने विकास किया, जब 65 साल राज्य करेगा कोई तो विकास तो होगा ही, लेकिन विकास की जो बात करेंगे तो हम ये 65 साल के विकास और ये 5 साल के विकास की अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये 5 वर्ष में उतना विकास हुआ जो 65 वर्ष में नहीं हो पाया है। विकास ऐसा नहीं कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने विकास किया, लेकिन जो 65 वर्ष का विकास था और जो ये 5 वर्ष का विकास है, उस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा विकास इस 5 वर्ष में हुआ। जो कि गांधी नेहरू का शहर है, उसके बाद भी 70 साल लगे विकास करने में, 5 साल में जो विकास हो गया उस सबसे विकास नेहरू खानदान ने किया आज तक, और बेईमानी तो बहुत हुआ, भ्रष्टाचार बहुत हुआ। आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए कि मतलब पूरा विपक्ष एक हो गया है, ऐसा कुछ है जिसकी वजह से पूरा जितने लोग थे, जितने विरोधी थे, जितने अनैतिक कार्य करने वाले सब इस समय एक हो गए हैं, सिर्फ उनका एक टारगेट है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और अपनी चोरी जारी रखना है, अपना लूट जारी रखना, अपना भ्रष्टाचार जारी रखना है, इसलिए मोदी का विरोध हो रहा है। मोदी का विरोध कोई व्यक्ति का विरोध नहीं है, विचार का विरोध है। जो मायावती कहती है कि चौकीदारी अब खत्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में, संभव नहीं है। आज की मायावती केवल इलेक्शन में आती है, वसूल के घर बैठ जाती है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। मायावती की बात करेंगी तो मायावती एक हरजन अपने को बताती है कि मैं हरजन नेता हूँ, और हरजनों का कौन सा विकास हुआ है? 1-1 करोड़ रुपए की जो चप्पल पहनते हो दलित बेटी हो सकती है क्या?
तमाम दलित बेटियां हैं जो आप बताइए कि आप देखे होंगे चारों तरफ टहल के देख रहे हैं कि किस हरिजन का कितना विकास हो गया है, आज इतने सालों तक इन्होंने राज्य किया, किस हरिजन का कौन सा कोई पांच बता दे कि पांच चीज़ें, मायावती आ जाए बता दे कि पांच चीज़ें बता दें कि हमने जो है हरिजनों के लिए ये किया है, कहीं कोई विकास नहीं किया, केवल जात की राजनीति करके वोट की राजनीति करने के चक्कर में और दलित की बेटी बनी हुई है, पूरा भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पर था उनके समय में, जब जब रही हैं और इसीलिए जो है जनता उनको बदला है और आज फिर से बदलाव आया है और मोदी बनेंगे और मोदी 2029 में भी बनेंगे। देखिए जहां मोदी जी को या मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी हो रही है, अब जो व्यक्ति अपने को जो है जाति से जोड़ते हैं ना, हम पूरे एक हिंदुस्तानी हैं चाहे किसी कौम किसी वेश रूप का हो, लेकिन और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो देश विरोधी नारे लगाने वाले लोग हैं उनको इन देश से जो है अलग करना भी अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि उनकी वजह से जो है मोदी जी की गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ममता बनर्जी पे कौन गया? कहते हैं कि बीजेपी की एक्सपायरी डेट आ गई है। कभी नहीं, कभी ममता जी आ गई है, ममता जी की एक्सपायरी आ गई है, मोदी जी की एक्सपायरी नहीं है, ममता जी की है। अब ये जिस समय कभी आज तक टीएमसी को कभी मतलब जो कभी वेस्ट बंगाल में कभी एक सीट नहीं मिली थी, अब की आप देखिए कम से कम नहीं हो तो 10-12 सीट तो मिलनी वेस्ट बंगाल में, कर्नाटक में मिलेगा, केरल में मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, ये वोट बैंक इनका मोदी जी का ऐसे नहीं बढ़ा है, उनका अपने काम से बढ़ा है, अपने विकास से बढ़ा है। आप देखिए फॉरेन में कोई आज तक ऐसा नेता नहीं था जो कि इंडिया का जो कि जाके फॉरेन में जा करके जो है उनसे डायरेक्ट बातचीत के, आज मोदी जी को सब गले लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, ऐसा नहीं, सब कोई भी सम्मेलन होता फॉरेन में पहले उनको बुलाया जाता और कितना रिस्पेक्ट मिलता है, वर्ल्ड में इतना नाम पैदा किया मोदी ने इस 5 साल के अंदर कि आज तक किसी ने नहीं किया, क्या ये कम है? लेकिन फिर भी दीदी का मन कहता है मोदी जी को थप्पड़ मारने का, कोई बोलेगा? पगला गई है दीदी, पगला गई है, अब उससे ज्यादा कुछ नहीं है, दीदी पगला गई है बिल्कुल। दीदी जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम करें क्या, क्योंकि उनके समय को की समाप्ति के समय आ गई, आ चुकी है, अब वहाँ टिकती रही है। सौ की सीधी एक चीज ये दिखता है, जहाँ वोट परसेंटेज जिस कदर बढ़ा हुआ है उससे साफ जाहिर है कि आने वाला 19 फिर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का है, और इन्हें जो है आगे बढ़ाना और भी जो है जो समस्याएं शेष रह गई हैं उन्हें उसका समाधान करते हुए देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा केजरीवाल की बात उठी, अभी उनका बयान आया, उन्हें थप्पड़ पड़ा तो उन्होंने कहा कि मोदी जी यानी कि मोदी सरकार ये काय लोग हैं, मुझे मरवाना चाहते हैं। केजरीवाल की पार्टी के अंदर जो मीटिंग होती थी वो लड़का उसी में बैठता था और पकड़ में आ गया कि उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको थप्पड़ मारा, मोदी ने नहीं मारा ना मोदी के लोगों ने। केजरीवाल हमेशा अपने को चप्पल मरवाते हैं जनता की सहानुभूति लेने के लिए, लेकिन केजरीवाल से बड़ा देशद्रोही नेता इस समय कोई नहीं है, जो कि जेएनयू में जाके जो देशद्रोही छात्र हैं उनके बीच कहता है कि आपका अस्तित्व खत्म होने वाला है, आपका अस्तित्व नहीं, आप देशद्रोही पूरी तरह से केजरीवाल है, उसको यहां से बाहर फेंक देना चाहिए। केजरीवाल कहते हैं सबको समर्थन दूंगा सिवाय मोदी जी को, उसका जन्म से चप्पल खाने के लिए हुआ है, कभी अपने लोगों के हाथ से, कभी टैक्सी वालों, कभी टेम्पो वाले के हाथ से, अब मौका मिलेगा तो मैं भी मारना चाहूंगा। और कोई कुछ बोलेगा? एक चीज और कहना चाहेंगे, सिद्धू जी हमेशा स्टेटमेंट जो सिद्धू जी का आता है वो हमेशा पाकिस्तान के लिए आता है, मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से सिद्धू जी को संदेश देना चाहूंगा कि कम से कम एक बार उड़न सिख सरदार मिल्खा सिंह से मिल करके वो पूछे कि हम इस देश के साथ उन्होंने क्या किया है जो कि आज हम उनको गले लगाने की बात सोचे, अगर ऐसा ही है तो सिद्धू जी को पहले वहीं जाके रहना चाहिए, यहाँ नहीं, इलाहाबाद हिंदुस्तान उनके लिए जगह नहीं है। अच्छा सर बात आती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्या लगता है सर आपको कि मोदी जी ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को झुका दिया? सर बहुत झुका दिया, घर में घुस के मारा और मारेंगे, पाकिस्तान कभी इतना नहीं डरा जितना अब डरा है, मोदी का कोई मैच नहीं है, सब बाकी इस समय जो इलेक्शन इंडिया में हो रहा है मोदी वर्सेस दी रेस्ट और कुछ नहीं। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी की पाकिस्तान के साथ साठगांठ है, तभी पाकिस्तान उनकी तारीफ कर रहा है कि वो जीते, उन्हें शॉल देते हैं उनके। चलो राहुल गांधी की कोई बात किसी को समझ आती है? पूछ लीजिए यहाँ पे किसी को राहुल गांधी की बात समझ आती है? किसी को नहीं आती। करने वाला आलू से सोना निकाल रहा है वो तो कुछ भी बोल देगा, वो राहुल गांधी तो मेंटल हो चुका, कुछ भी बोल सकता है, उसे कोई। उनकी बहन बोलती मेरा भाई बनेगा प्रधानमंत्री, मेंटल। अरे सपना तो मायावती अखिलेश सभी लोग देख रहे हैं, लालू देख रहे हैं, सारे लोग सपना देख रहे हैं,
लेकिन अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी भागीदारी हम जो मोदी जी को सपोर्ट कर सकें, जो रोड पे कहीं भी जो नियम कानून हो उनको पालन करें। देश बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है। मलेशिया भी लोग गए थे, उन्होंने बताया कि भारत के बाद आज़ाद हुआ मलेशिया, लेकिन वहाँ पे पब्लिक भागीदारी है, जो कानून बनते हैं लोग फॉलो करते हैं। आप एक बार मोदी जी के साथ देखिए आने वाले 5 साल में देश जो अगला आ रहा है इसमें पूरी व्यवस्था जो है हिंदुस्तान विश्व की सबसे बड़ी ताकत फिर से बनने वाला है और मोदी जी को साथ इसमें सबको भागीदारी करना है। दो साल हो गया है योगी सरकार ने, 2 साल इनको पूरा हो गया लेकिन एक भी वैकेंसी उन्होंने क्लियर नहीं की। वही बात आगे से रोजगार में मोदी जी का बता दूं जितनी पे एक एक सिंगल दो योगी सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट में जब रेलवे की वैकेंसी इनको निकालना, जब इनको जाना हुआ तब ये सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल 5 साल क्या कर रहे थे, अगर इनको निकालना है तो 3.5 लाख वैकेंसी रुक जाइए, 3.5 साल अगर इनको निकालना ही था तो शुरू में निकाल दी जब इनकी सरकार बनी 2014-15 में, लास्ट में क्यों निकाला इन्होंने, क्योंकि वो कैंसिल हो जाए इनकी सरकार जाकर के दोबारा उस चीज को लिए कर। और दूसरी चीज, यूपी सरकार में 2 साल हो गए योगी को, एक भी वैकेंसी में लिख कर दे दो अगर इन्होंने इनकी निकाली हुई क्लियर हुई हो, जितने लोग खड़े यहाँ बता दे मुझे, कोई भी युवा कह दे मुझे नौकरी मिली 2000 जब से योगी सरकार बनी हुई है। सर युवा बोल रहा है नहीं, एक 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 नहीं, अपनी कोई वैकेंसी नहीं क्लियर की, आप ये मत कहिए अपनी कोई वैकेंसी नहीं क्लियर की है, सिर्फ अखिलेश सरकार की एक मिनट जितनी भी वैकेंसी, एक मिनट आप नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके पहले क्या कर रहे थे आप? अखिलेश सरकार से एक मिनट जो लोग ये कत, अरे भाई सुनो एक मिनट बात सुनो जो लोग कह रहे हैं कि 3.5 साल बाद ये काम शुरू किया, क्या कौन सा 4.5 साल बाद ठीक है एक मिनट भाई, 1 मिनट मैंने कौन सा युवा बताएगा कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन हम काम MBA MBA सब कर लिया, बताइए हर चीज का समय होता है नहीं होता? 2 करोड़ रोजगार अभी तक नहीं आया है, इसीलिए किसी को भी काम करने की कमी नहीं है, जो लोग केवल सरकारी नौकरी चाह रहे हैं जिसमें हरामखोरी करने को मिले और अलग से पैसा मिले उन्हीं के लिए परेशानी है। इनका कहना है कि पकोड़ा बेच रहे हैं, रोजगार मैं पिछली सरकार में, उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार में इंटरव्यू देने वाला अभ्यर्थी हूं। अनिल यादव जी जैसे जो अध्यक्ष महोदय थे, संवैधानिक पद था, उनको भ्रष्टाचार की वजह से जाना पड़ा। उस कंपटीशन, उस वैकेंसी क्लियर होने क्या फायदा जिसमें ईमानदारी से कोई चीज़ ना हो, केवल पैसे पर सारे पद बिक गए। मैं इतने मेंस दिया फिर दोबारा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, सारे पद सेटिंग से बिक जाते थे, उस वैकेंसी क्लियर होने क्या फायदा हुआ? एक चीज और बता दे मैडम, जो ये कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, हम 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ दिए हैं रोजगार वाले, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, हमने इतने लोन दिए विदाउट गारंटी, उससे जो रोजगार हुए वो रोजगार नहीं हुए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर्वप्रथम पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि विकास की बात लोग कर रहे हैं, आज से 4.5 साल पहले जिस कंपनी बाग में इतनी संख्या में ये लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, ये विकास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के देन है। और उसके बाद इन्होंने जो काम किया है माननीय योगी जी ने, माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जो काम किया है केवल चौराहे पे काम किया है, और चौराहे पे वो काम किया है जो केवल दुनिया देखे लेकिन जमीनी लेवल पे जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व अखिलेश यादव ने काम किया है, चाहे समाजवादी पेंशन हो, चाहे लड़कियों के लिए साइकिल देना हो, चाहे कापी किताब देना हो, चाहे लैपटॉप देना हो, सुनिए ये हर काम जिसने किया है उसने अखिलेश यादव किया है। योगी जी ने क्या काम किया है बेरोजगारों के लिए, जो TT 2011 वाले हैं उनको लखनऊ में
कई बार उन्होंने लाठियों पिटवाया है, यहाँ तक कि जो एक लड़की गर्भवती थी उसे भी मार मारा गया था। इसके बाद जो काम किया है कोई सरकार ने अखिलेश जी ने किया। मैम पिछली सरकार में पिछली एक चीज मेरा ये कहना है, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ है जिसमें से 9 लड़कों को प्राइवेट के थ्रू उनको इंटर किया गया। आपको मालूम होगा जितने लोग यहाँ खड़े हुए वो 9 लड़के जानते कौन है? सिर्फ ब्राह्मण जात के लोग हैं, क्योंकि ओबीसी बैकवर्ड में कोई लड़का नहीं था आईएएस बनने के लिए। विकास की बात कर रहे हैं, सिर्फ सपा ने अपने परिवार का विकास किया और 18 साल के ऊपर का हर व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये तो बिल्कुल निहायत गलत बात कर रहे हैं। कुंभ में जो भव्यता और दिव्यता दिखी है वो मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने दिखाई, ये पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। ऐसा आपने इलाहाबाद में चौराहे गली कूचे और चीजें देखी आपने? कहीं नहीं दिखा। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर सकती है, मोदी जी कर सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं। मैम सपा का जो है लोग पीजीआई में जो है उनके घर का हाई स्कूल का लड़का वहां पीजीआई में फोन करता था तो पूरा दम पीजीआई में हड़कंप मच जाता था। उनके परिवार की हर परिवार का बच्चा भी मुख्यमंत्री होता था उनके परिवार में। और दूसरी चीज उस समय में बेरोजगार हुआ, लेकिन आज मोदी जी के समय में अपना स्वतः रोजगार करके मैं 50,000 रुपए से ज्यादा कमाता हूँ इस गवर्नमेंट में। मैं लोक सेवा का इंटरव्यू दिया अभ्यर्थी, मैं बेरोजगार हो गया था, लेकिन मोदी जी के समय में इस कार्यकाल में स्वतः रोजगार करके 50,000 रुपए से ज्यादा कमाता हूँ आज की डेट में। मुझे भी मोदी सरकार के थ्रू लोन मिला था 50,000 रुपए, उससे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। आज मोदी गवर्नमेंट की वजह से मैं बिजनेस मेरा अच्छा हो गया, तो इसमें बेरोजगार की मैटर ही नहीं है। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? मैं मुझे मिला, मेरे के अंडर में 2 लड़के काम करते हैं, कंपनी के 2 बंदे। मैंने कहना है कि सरकारी नौकरी ही जॉब के लिए नहीं होता, प्राइवेट भी होता है, बिजनेस भी होता है। वही गवर्नमेंट है, हर बंदे को रोजगार नहीं दे सकती। आप चल बिजनेस करिए या प्राइवेट जॉब कीजिए, हर बंदे को चाहिए। हम लोग को मुद्रा लोन मिला हुआ, बैंक पहला मुद्रा लोन हमें दी है ताकि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। यहाँ पे जो है रोजगार मतलब होता है कि TET पास कर लीजिए और सरकारी नौकरी मिल जाए जिसमें हमको जाना न पड़े। लोग हमारे साथ के लड़के जो है जो जॉब पा गए हैं, टीचर हो गए हैं, उस समय तो बेरोजगार थे, कह रहे थे नौकरी मिल जाए तो भाई पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन नौकरी मिल गई है। आज वो स्कूल जाके पढ़ाना नहीं चाहते हैं, कहते हैं हफ्ते में 2 दिन जाता हूँ यार, बहुत जाता हूँ। ये कंडीशन है, लोग रोजगार मतलब सरकारी नौकरी जहाँ पे कुछ काम न करना पड़े उसको समझते हैं। आप बोलिए। 9 IAS जो दिल्ली में UPSC में अभी हुए हैं जिनको प्राइवेट के थ्रू रखा गया है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो किस कास्ट के लोग हैं मुझे बता पाएंगे? कोई लोग सिर्फ ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण है। आप ऐसा क्यों? सिर्फ ब्राह्मण है वो, जिसमें योग्यता होगी वही नौकरी पाएगा। क्या क्वालिटी की बात करते हैं आप? किसकी क्वालिटी? और कुछ नहीं, हिंदुस्तान में केवल जाति जाति जाति, बस केवल क्वालिटी की बात। चाहे शिक्षा हो चाहे नौकरी हो, कहीं पर भी क्वालिटी की बात नहीं होगी, मेरिट की बात नहीं होगी, केवल जाति केवल धर्म बस यही रह गया है। इसीलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं और ये पहली बार हुआ है जब जाति धर्म हटा। कोई बीजेपी नहीं, मैं कोई बीजेपी का या किसी गवर्नमेंट का नहीं हूँ, जो दिख रहा है वो कह रहा हूँ। जातिवाद की बात ना हो कम से कम समाज में, कम से कम हिंदुस्तान की बात, कोई हिंदू का नाम लेने वाला भारत में हो, मतलब कम से कम, नहीं तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा अगर जातिवाद की बात रहेगी। कम से कम देश में, देश हित में लिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहे। यहाँ तो कोई हिंदू कहता नहीं अपने को, अपने को कहता दूसरे देश के, हम लागे पाकिस्तान मियाँ बन गए हैं। अरे कम से कम मोदी जी ऐसा हिंदुस्तान में नेता है जो कम से कम हिंदू कहते हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से बोलते हैं हिंदुस्तान हमारा, हम हिंदू हैं। और कोई नेता आज तक हिंदुस्तान का नाम नहीं लेता, शर्म लगता है, डरता है, हिंद कहने में शर्म आती है। ये लोग जन नेता है जिसको जय हिंद कहने में शर्म आती है। भारत देश हिंदू का देश, कम से कम हिंदू का नाम लिया जाए देश में, कम से कम हिंदुस्तान का नाम, नहीं तो बिट जाएगा। लेकिन विरोधी तो कहते हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है, केवल अपनी राजनीति के लिए सोच रहे हिंदुओं को मूर्ख बना के यहाँ दूसरा देश बना दे, दूसरी जातियां बना दे। पाकिस्तान प्रयागराज की धरती पे कोई मुस्लिम कह दे उसके साथ कोई भेदभाव करके कोई कहीं बिजनेस करने से रोक रहा हो, कोई काम करने से रोक रहा है, कोई बता दे। केवल यह है कि जो उनको तुष्टिकरण के तहत उनको बढ़ावा दिया जा रहा था वो पूरी जनता को, पूरी जन को एक साथ लेकर चल रहे हैं मोदी जी, किसी को तुष्टिकरण के द्वारा नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। जो योजना आ रही है वो सबको मिल रहा है। 1 से 8 तक की पूरी फ्री पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में मोदी सरकार ने चालू करवाया। कम से कम इलाहाबाद में 400 से 500 बच्चों का फायदा मिल रहा है 1 से 8 तक फ्री पढ़ाई। कोई फीस नहीं, कोई बैग, यहाँ तक बैग का भी 5,000 रुपये देती है गवर्नमेंट। समझ लीजिए इन्होंने मोदी सरकार ने जो किया। पैसों की बात चली, राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों की जेब में 15 लाख नहीं आए, मैं आऊंगा तो 72,000 रुपये दूंगा। कहाँ से देंगे वो? कैलकुलेशन करके बैठे
अरे वो देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं वो, और वो पप्पू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बस में कुछ। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए किसी हद तक चली गई है, उसको सत्ता से, कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है, उसको 5 साल सत्ता से बाहर रही है, उसके नेता पगलाए हुए हैं कि सत्ता पाने के लिए वो किसी हद तक बोल रहे हैं। और देश को अगर कहां से देंगे, देश को पूरे दिवालिया कर देंगे। देश अगर संगठित तौर पे आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में संगठित तौर पे आगे बढ़ रहा है। और उसको मोदी जी पूरी तरीके से, जो एक फिल्म जैसे बनती है, स्क्रिप्ट लिखी जाए उसी तरीके से 2000 से चले चले आ रहे हैं कि आए संसद में जो है मत्था टेका। एक भी उनकी योजना माँ गंगा के नाम पे, कोई योजना उनकी जो है वो राष्ट्र के नाम पे, चुनाव पहले आए जो है बेरोजगारी और विकास के नाम पे, आज आप GST के नाम पे और नोटबंदी के नाम पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप विकास के नाम पे क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? अपनी माँ को आप ई रिक्शा से जो है दिखा रहे हैं कि हम वोट डालने जा रहे हैं। हमारे अगर जो है हम अधिकारी हो जाएं, हम बड़े आदमी हो जाएं, हम अपनी माँ को जो है रिक्शे से, ई रिक्शे से भेजेंगे वोट डालने? आप ये बताओ, दिखावा है, ये ड्रामा है, वो उससे बड़ा ड्रामा, वो उनसे नहीं, ये ड्रामा है। आप बताओ, आपकी माँ, अच्छा आप वोट डालने जाओगे, आप वोट डालने जाओगे, आप अपनी माँ का पैर छू के नहीं जाओगे? हाँ, तो ये क्या ड्रामा, आप क्या दिखाते हो? और लोगों को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अरे कैमरा वाले क्यों दिखाते हैं ये? नहीं, गलत बात। देखिए सर, किस किस आपका संस्कार है, हमारा संस्कार नहीं है। कैमरा वालों का काम था, उनका काम नहीं था भाई। आप अगर बताते हैं कि हमको गूगल पे लोगों ने सोचा, गूगल पे मुझको लोगों ने सर्च किया कि मैं चाय बेचता हूँ, हमने अपने मुंह से नहीं कहा, मैं चाय बेचता था, मेरी टीम ने जो है गूगल पे सींचा। आपके बारे में जो है बता दीजिए, जो है हमको बताइए जो है कौन व्यक्ति जो है गूगल पे आपको सर्च कर सकता है कि आप क्या कर रही थी दो जब आप पढ़ाई कर रही थी, तो क्या गूगल पे आपके बारे जवाब डालोगे तभी सर्च होगा? हो सकता है स्टार्टिंग में, यानी कि मोदी जी दिखावा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या जवाब दीजिए? मैम, मोदी जी और योगी जी दो ऐसे आज के राजनेता हैं जिनका परिवार आज भी उसी स्थिति में है, बाकी जितने लोग हैं उनके भाई भतीजा नात रिश्तेदार सब अरबपति बन गए हैं। आप देख लीजिए किसी उठा के,